दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो जानिए आज के ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच करेगी किसान परेड में हुए बवाल की जांच, उपद्रवियों की पहचान के लिए ली जा रही सीसीटीवी कैमरे की मदद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी में 26 जनवरी में हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस अब एक्शन के मूड में है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बवाल की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास जाएगी। क्राइम ब्रांच की एसआईटी बनाने की तैयारी है जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। दिल्ली पुलिस इस मामले की तह तक जाना चाहती है कि आखिर कैसे किसानों ने तय समय से पहले परेड शुरू कर दी है, इसके साथ ही किसके उकसाने पर किसान उग्र हो गए और देश की शान लाल किले पर जाकर प्रदर्शन करने लगे और वहां निशान साहिब का झंडा फहरा दिया। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में अब तक कुल 22 एफआईआर दर्ज कर ली गई, ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। जानकारी के मुताबिक हिंसा की तह तक जाने के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद ले रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा में कुल 230 पुलिसकर्मी घायल हुए। 41 उत्तरी दिल्ली में, 34 पूर्वी दिल्ली में, 27 पश्चिमी दिल्ली में, 32 द्वारका में, 12 बाहर उत्तरी जिले में, 5 सादरा में, 4 दक्षिण जिले में और 75 दिल्ली के बाहरी जिलों में घायल हो गए। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में हिंसा पर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी शाह की छवि को पहुंचा भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा दिल्ली में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस घटना से देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा। साथ ही कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी चूक हुई और हो सकता है कि चीन मार्च से मई के दौरान भारत में बड़ी साजिश को अंजाम दे। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, इस घटना से पीएम मोदी और अमित शाह की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने भी अपना सम्मान खो दिया। इसके अलावा उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान ऐसे समय पर आया जब देश के लोगों में प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ भारी आक्रोश है। उन्होंने इस घटना को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। अगली बड़ी खबर, लाल किले में डकैती का मामला दर्ज, साजिश के तहत सामान चोरी करने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के संबंध में अभी तक 22 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें से एक आपराधिक साजिश के तहत लाल किले में डकैती डालने का मामला दर्ज किया गया। कोतवाली थाने में 10 से ज्यादा विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 395, धारा 397, धारा 120 बी जैसी गंभीर आपराधिक धाराएं भी शामिल की गईं। आरोप के मुताबिक लाल किले के अंदर आपराधिक साजिश के तहत डकैती डाली गई और वहां से कुछ सामान भी ले जाया गया। मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस वाले दिन लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने वालों, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों और दिल्ली में हिंसा में शामिल किसानों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और तमाम वीडियो को खंगाला जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, खासकर लाल किले और किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। अगली बड़ी खबर, कौन है वो शख्स जिसने फहराया लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में किसानों की तरफ से आयोजित ट्रैक्टर ने न सिर्फ लाल किले के रंग को भंग किया बल्कि इतिहास में ऐसे बुरे पन्नों को जोड़ दिया जिसका जिक्र सदियों तक होगा। कुछ शर्तों के साथ किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिली थी, पुलिस ने रूट तय किए थे, लेकिन किसानों ने पुलिस की तमाम शर्तों को तोड़ते हुए पहले आईटीओ और फिर लाल किले तक पहुंच गए। लेकिन लाल किले पर उपद्रवी किसानों ने जिस तरह से उत्पात मचाया और हिंसा को अंजाम दिया उसे हर कोई हैरान रह गया। उपद्रवी किसान इस कदर भड़के और बेहूदगी पर उतरे कि उन्होंने लाल किले की गरिमा का भी सम्मान नहीं किया और उस खम्भे पर खालसा पंथ का झंडा लहरा दिया जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। झंडा फहराने का काम पंजाब के तरन तारण के रहने वाले युवक ने अंजाम दिया है। अगली बड़ी खबर, किसान हिंसा के बाद नोएडा में मोबाइल इंटरनेट फिर से बहाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान ट्रैक्टर रैली के हुए उपद्रव के बाद बंद किए गए मोबाइल इंटरनेट को नोएडा में फिर से बहाल कर दिया गया। इससे पहले राजधानी में उपद्रव के बाद अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली एनसीआर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। आरटीओ लाल किला समेत दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा बढ़ने के कारण मोबाइल सेवा पर सरकारी आदेश से रोक लगा दी गई। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद के साथ ही हरियाणा के शहरों में भी यह रोक लगा दी गई थी। पुलिस को यह सूचना मिली कि मोबाइल इंटरनेट के सहारे अफवाहों को फैलाकर स्थिति और बिगड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सिंधु, गाजीपुर, टिकरी, नागलोई आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दे दिए। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए गाजियाबाद और नोएडा के कुछ इलाकों में मंगलवार को ब्रॉडबैंड व मोबाइल इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रहीं।
हालांकि फरीदाबाद पलवल के कुछ इलाकों में ब्रॉडबैंड सर्विसेज चालू कर दी गई। अगली बड़ी खबर, चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों ने की दिल्ली हिंसा की निंदा, बोले बदनाम करने की हुई साजिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान जमकर बवाल हुआ। दिल्ली में कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। झड़प में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की भी जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 22 FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान क्या सोचते हैं, इसको लेकर ABP ने खास बातचीत की है। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ अन्य जगहों की तरह चिल्ला बॉर्डर पर किसान पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। यहां बैठे किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली जो पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। चिल्ला बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की है। किसानों का कहना है कि घटना निंदनीय है, लेकिन किसानों को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी। अगली बड़ी खबर, बजट सत्र से पहले आज से सांसदों और संसद स्टाफ का शुरू होगा कोरोना टेस्ट, 2 चरणों में होगा बजट सत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 29 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र से पहले आज ये सभी सांसदों, संसद स्टाफ और एक दूसरे जैसे लोग जो संसद परिसर में जाएंगे, उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट आज और कल यानी 28 जनवरी को भी होंगे। सांसद बाहर भी टेस्ट करवा सकेंगे। गौरतलब है कि 29 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। अगली बड़ी खबर, हिंसा के बाद राकेश टिकैत का वीडियो वायरल, किसानों से कहा था कि सरकार कैड़ी हो गई, डंडा और झंडा साथ लाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। इस वीडियो में राकेश टिकैत किसानों को उकसा रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब सरकार कैड़ी हो गई है, इसलिए प्रदर्शन में झंडा और डंडा साथ लाना। राकेश टिकैत का वीडियो BJP प्रवक्ता सामित पात्रा ने भी रीट्वीट किया है। अगली बड़ी खबर, आंदोलन खत्म करने के लिए किसानों पर लग रहे आरोप, जारी रहेगा हमारा संघर्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड हिंसा के पीछे साजिश का अंदेशा जताया। बागपत लौटे नरेश टिकैत ने कहा कि पुलिस की लाठीचार्ज में किसानों के सिर फूटे हैं, सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। किसानों पर आरोप लगाए जा रहे हैं आंदोलन को खत्म करने के लिए, ये किसी की चाल है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसके अलावा टिकैत ने पुलिस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा था कि किसानों को रास्ता का नहीं पता था, बैरियर इतना कमजोर क्यों लगाया गया था। हालांकि टिकैत ने इस घटना की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसान संगठन हिंसा में विश्वास नहीं रखता, इसकी जांच होनी चाहिए, साथ ही जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, BJP ने कहा किसानों ने लाल किला पवित्र किया, कांग्रेस ने दिलाई दुर्योधन के अहंकार की याद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किला में हुई हिंसा पर BJP और कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने लाल किला को अपवित्र कर दिया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दुर्योधन का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। BJP कांग्रेस के अलावा जानिए और किस पार्टी ने क्या कहा। BJP नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि जो शंका थी वही साबित हो गई। किसान संगठन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अनुशासन रहेगा, हम जश्न में शामिल हो रहे हैं, ये जश्न था गणतंत्र दिवस के दिन भारत पर हमला। वहीं आपको बता दें कि लाल किले को अपवित्र किया गया, इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उकसाने का काम तो किसान संगठन के नेताओं ने किया है, किसान संगठन का हर नेता सिर्फ भड़काने में लगा हुआ था। अब जब ये घटना घट गई तो वे तरह तरह के ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा, महात्मा विदुर जैसे मंत्री, कृपाचार्य जैसे राजगुरु, द्रोणाचार्य जैसे महारथी और भीष्म जैसे महादर्शक के रहते हुए भी हस्तिनापुर का सर्वनाश कैसे हो गया, क्योंकि दुर्योधन के अहंकार के सामने सब मौन रहे और इस मौन की कीमत सबको चुकानी पड़ी थी, सोचा याद दिला दूं। अगली बड़ी खबर, संगठन को मजबूत करने की कयावत में जुड़ी BJP, किए बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा के बाद अब राजनीतिक दल संगठन को मजबूत करने की कयावत में जुड़ गए। इसको लेकर राजनीतिक दलों में फेरबदल प्रारंभ कर दिए गए। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है। BJP ने जिलों के प्रभारी पदाधिकारी और महाप्रभारी महामंत्री तय कर उन्हें संगठन की मजबूती के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं BJP के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा जारी पत्र के मुताबिक पटना जिले के दीघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजीव चौरसिया को पटना जिले के साथ ही गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले का प्रभारी महामंत्री बनाया गया।
पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में सबसे कमजोर प्रदर्शन किया था, जबकि बीजेपी का यह क्षेत्र गढ़ माना जाता रहा है। अगली बड़ी खबर, ट्रैक्टर परेड हिंसा पर राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप, बोले हिंसा का समर्थन नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले में झंडा फहराने की घटना की भी निंदा कर रहा हूं। राकेश टिकैत ने कहा कि आज जो भी हुआ वह दिल्ली पुलिस की ओर से लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया और वे बड़ी संख्या में किसानों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों ने योजना बदलने के लिए कई बार दिल्ली पुलिस से आग्रह किया, लेकिन वे कागजों पर जोर देते रहे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।